अगर भाजपा को यहाँ रहना है झारखंड में, मैं चुनौती देता हूँ, तो आपको जय जोहार बोलना होगा। नमाज कस की बात कर रहे हैं? अरे भाई, हम लोग मस्जिद थोड़े ना बनाए, और ये झारखंड है, यहाँ मंदिर भी बनेगा, यहाँ मस्जिद भी बनेगा, हमको भाजपा का कोई सर्टिफिकेट लेने का आवश्यकता नहीं। आज आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, रघुवर दास जी ने किस तरह से हमारे छात्रों को पीटा, दौड़ा दौड़ा कर मारा, गोली चला दिया, क्या उसका हम लोग बदला नहीं लेंगे क्या? हर हाल में मोबिलिटी का कानून बनेगा, और नहीं बनेगा तो हम लोग सड़क उतरेंगे। जय श्री राम तो श्रद्धा है, मैं भी सम्मान देता हूँ, धर्म को राजनीति में नहीं लाना होगा। अगर भाजपा को यहाँ रहना है झारखंड में, मैं चुनौती देता हूँ, तो आपको जय जोहार बोलना होगा, और शुरुआत जय जोहार से करना होगा, अंत भी जय जोहार से करना होगा। नहीं कीजिएगा तो गेट आउट फ्रॉम झारखंड, मैं भगाऊंगा झारखंड। जो जय जोहार नहीं बोलेंगे क्या बाहर चले जाए? जय श्री राम, धर्म भगवान है, श्रद्धा करते हैं, हम श्रद्धा दिल से मानते हैं। राजनीतिक में धर्म को भाजपा नहीं लाए, मैंने कहा जय जोहार बोलना होगा भाजपा के लोगों को, झारखंड में रहना है तो। बार बार मैं कह रहा हूँ, शुरुआत जय जोहार से हो और अंत भी जय जोहार से हो, नहीं कीजिएगा गेट आउट झारखंड। जेपीएससी के बारे में क्या कहना है आपका? हम लोग छात्र छात्राओं के हम लोग साथ हैं, भाजपा राजनीतिकरण कर दे रही है, युवाओं को राजनीति में फंसा दे रही है, ये अच्छी परंपरा नहीं है। युवाओं से कहना चाहता हूँ, भाजपा के झांसे में मत आइए, 18 साल आपको बर्बाद किया, 18 साल तड़पा तड़पा कर आपको मारा, युवाओं को गोलियां चलाई भाजपा, और आज भाजपा हितैषी हो गई। जेपीएससी को कोई बात है, इरफान अंसारी इज देयर, और डायनेमिक सीएम इज देयर, आप हमसे वार्ता कीजिए, हम आपकी बात को पहुंचाएंगे। अगर आप पर, आपको हमारी सरकार पर विश्वास नहीं है तो आप कोर्ट जाइए। आप भानु प्रताप शाही कह रहे हैं कि रसिया से जो आप पढ़ के आए हैं, आपकी डिग्री फर्जी है। डिग्री फर्जी है रसिया से? अरे भाई, मेरी बात सुनिए ना, भानु क्या जानता है, हम लोग तो सामने से लाठी खाने वाले हैं, वो तो पीठ के पीछे लाठी खाता हूँ, क्या बात करेगा। रही बात डिग्री की, हमारी डिग्री पर चैलेंज नहीं करे, भानु प्रताप लुटेरा है, स्वास्थ्य का पैसा लूट लिया, उस पर मैं पीआईआर करने जा रहा हूँ। नवीन जायसवाल को मैं चुनौती देता हूँ कि जेपीएससी का फुल फॉर्म वो बता दें, उसके बाद सरकार के बारे में बोले, अनाप शनाप बात करते हैं भाई, ये लोग तो अनपढ़ लोग कहाँ से चलाया सदन में, तुम्हार लोग एक आदमी एक भानु है, पीठ पे पीठ पीठ पीछे दिखाता है, पुलिस से मार खाता है। अरे भाई, विधायकी है, थोड़ा सा कम से कम उसकी गरिमा बचा के रखिए। छात्र की जो भी समस्या, आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग आपको जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं, बिल्कुल मैं आपसे काफी प्रभावित हो रहा हूँ। ये होना चाहिए सवाल जवाब, आपको अगर चिंता है छात्रों की तो उचित प्लेटफॉर्म है, आप बात कीजिए, मुख्यमंत्री जी से बात कीजिए, हमारे मंत्री से बात कीजिए, और नहीं होगा तो इरफान अंसारी से बात कीजिए। भाजपा के कारण ही देखिए, 18 साल भाजपा ने यहाँ के छात्रों के साथ भविष्य के साथ खेलने का काम किया। आज आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, रघुवर दास जी ने किस तरह से हमारे छात्रों को पीटा, दौड़ा दौड़ा कर मारा, गोली चला दिया, क्या उसका हम लोग बदला नहीं लेंगे क्या? आज हमारे देखिए पारा शिक्षक बिल्कुल खुश है, आपकी सरकार हमारी सरकार कर रहा है, लाठियां नहीं चली चारों ओर, सरकार की सरकार में लाठियां नहीं चली, आप बोल रहे हैं आपकी सरकार में लाठियां नहीं चली, लाठी थोड़ा बहुत चलेगा, क्यों चलेगा, गोली नहीं चला रहे, गोली से अच्छा है लाठी चलना। अच्छा, याद रखिएगा, हम लोग मारेंगे नहीं, हम लोग डराएंगे, डराएंगे जरूर, सरकार है, कानून हाथ में कोई मिलेगा तो डराएंगे। अच्छा, लिंचिंग के बारे में सुन लीजिए, मेरा सवाल है, सरकार कानून लाने जा रही है, और हमारी सरकार काफी, मैंने कहा है ना, काफी जनता के प्रति हम लोग संवेदनशील हैं। जिस तरह से भाजपा के लोगों ने मारा हमारे भाइयों को, बेरहमी से मारा, आज उसकी माँ बाप उसकी पत्नी लोग आती है हमारे घर में, रोना आ जाता है देखकर, उसके हालात देखकर रोना आ जाता है, और ये भाजपा के लोग अगर उसी समय आप स्ट्रिक्ट कर देते तो आज एक भी जान नहीं जाती। अगर कोई आदमी बच्चे को मार रहा, अगर कल मेरा बेटा को मार देते क्या दया नहीं होगा, और उसको क्या भाजपा के लोग उसको क्या माला पहनाएंगे? ये अच्छी बात नहीं, अच्छी परंपरा नहीं है। हमारी सरकार, हमने कहा है कि हर हाल में मोबिलिटी पर कानून बनेगा, और नहीं बनेगा तो हम लोग सड़क उतरेंगे। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा नहीं है, आज 2 साल होने जा रहा है, इनके पास नमाज कस की बात कर रहे हैं। अरे भाई, हम लोग मस्जिद थोड़े ना बनाए, और ये झारखंड है, यहाँ मंदिर भी बनेगा, यहाँ मस्जिद भी बनेगा, हमको भाजपा का कोई सर्टिफिकेट लेने का आवश्यकता नहीं है। भाजपा अब सुखड़ा सफाया की ओर है, और झारखंड में 10 अंक भाजपा पार नहीं। तो क्या विधान? झारखंड लाइव की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।